अधिकतर देखने में आता है जिसे बहुजन समाज कहा जाता है जिसे दलित समाज कहा जाता है उसके अंदर भी बहुत सारी जातियाँ बनी हुई हैं और कहा जाता है कि जैसे बाल्मीकि समाज ऐसी बहुत सारी जाती हैं नाई धोबी खटी वगैरह जब तक इसमें रोटी बेटी का साथ नहीं होगा तब तक ये समाज एकजुट भी नहीं हो पाएगा तो जब इतने गिरे गुजरे लोग हैं उसके बावजूद भी अपनी जाति और उसमें गोत्र ढूंढते हैं तो क्या इसके ऊपर आप बोलना चाहेंगे मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर बहुत चिंतित थे तो उनका एक वाक्य बड़ा कमाल का है क्योंकि ज़्यादातर तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था बोलते थे कास्ट इज ए मॉस्टर जाति एक राक्षस है ये एक पिशाच है जहाँ भी जाओगे ये आपका रास्ता रोकेगी जाति व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है रास्ता रोकेगी क्योंकि जाति व्यवस्था हमारे विरोध में है तो जितने भी इस देश के मूल निवासी बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जब काम कर रहे हैं तो मैं देखता हूं, जिनके अंदर वो जागृति का निर्माण हो जाता है वो इस जाति व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करते हैं बाबा साहब ने कहा था कि देश में कहा जाता है कि जाति व्यवस्था को ख़त्म करना असंभव है वो कहते थे असंभव नहीं है ये मुश्किल है बहुत बहुत मुश्किल है बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन ये असंभव नहीं है जाति व्यवस्था किसी ने बनाई है जिन्होंने बनाई है वो कभी नहीं तोड़ेंगे ये उनका समर्थन करती है लेकिन जाति व्यवस्था को तोड़ना इस देश के मूल निवासी बहुजनों के जो बुद्धिजीवी हैं जो कार्यकर्ता हैं उनका काम है हम इसका प्रयास कर रहे हैं और ऐसा वक्त आएगा काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि जागृति का जब जागृति आ रही है तो अभी लोगों ने मंचों पर इकट्ठा होना शुरू किया है शादी विवाह में इकट्ठा शुरू किया है ऐसा वक्त आएगा जब लगातार बाबा साहब ने कहा था ये जागृति की अखंड ज्योति जलाओ तो हम ये अखंड ज्योति जलाने का काम कर रहे हैं निरंतरता से भारतीय समाज निर्माण संघ देश के मूल निवासी बहुजनों के अंदर ये जागृति का निर्माण कर रहा है जागृति का काम कर रहा है और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं धन्यवाद अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले